Good morning everyone, welcome to online classes. Now today I'm going to be talking about chapter. I will be continuing the chapter. You see, we have been a tricked, a shouted the villagers. मतलब जैसे गांव के लोग पानी पीने जाते हैं वो कोल्ड वाटर हो जाता है, और जैसे टैरो पीने जाता है या उनके पेरेंट्स पीते वो सेक बन जाता है. मतलब स्पेशल ड्रिंक ऑफ द सन. वेयर इज टैरो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक. वो वहां से भाग गया. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नो हियर टू बी फाउंड. मर्चरिंग देयर एंगर एंड अ डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस. जहां छुपा था वहां से फिर वो बाहर आया जैसे गांव वाले चले गए. वॉज इट ट्रू ही वंडर्ड. वॉज द सेक्स सेक ए ड्रीम. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट हिज लिप्स. इट वॉज द सेम फाइन सेक टू द थॉटफुल सन. द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक टू एवरी वन एल्स. इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. तो वहां पे वाटरफॉल बोलने लगा कि मैं जो पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता, जो पेरेंट्स के लिए अच्छा जा रखता हूँ, उनके लिए मैं सेक बन चुका हूँ. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीचर द एम्परर ऑफ जापान. एक जापानी स्टोरी है. तो ये बात वहां पे पहुंच गया जापान. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी. आफ्टर टैरो दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. यानी जापानी का जो राजा था उन्होंने बोला कि सबसे इससे सीखना चाहिए कि अपने पेरेंट्स की कैसी देखभाल करें और उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं बच्चे. तो वो था टैरो. टैरो से वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उसको बहुत सारे गोल्ड कॉइन, इतना 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन उसको देख के बहुत उसको सम्मान किया. सो या बच्चे, आप भी अपने पेरेंट्स को बहुत रेस्पेक्ट करो. यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड गिव मोर 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 देन मोर. यू हैव टू ओके.